नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करुछु आथरे प्रथमे हेडलाइंस विपज्जनक अवस्था रे दिल्ली रो एयर क्वालिटी विभिन्न स्थान रे एयर क्वालिटी 600 रु अधिक रेकॉर्ड विशेषज्ञ कहले आगामी सप्ताह रहिबो स्थिति अति गंभीर समीर को हाथों गला आर्यन का मामला मुंबई ड्रग्स केस रे तदंत रु हटिले एनसीबी ऑफिसर समीर वांखडे एवं सीनियर पुलिस ऑफिसर संजय सिंह करिबे मामलार तदंत अफगानिस्तान सहित एनएसए स्तरीय बैठक कर भारत नवंबर 10 तारीख को यह बैठक पर तारीख धार्य अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति फेर भारत तरफ एक रणनीति प्रस्तुत तालिबान प्रतिपक्ष हे सामिल घाटी आरंभ है टैलेंट सर्च दिव्यांग खेला जम्मू काश्मीर प्रशासन बड़ पदक्षेप पारा आथलेट को तालीम देवाई आरंभ है कोचिंग शिविर ऐसे असंपूर्ण खबर को दिल्लीर एयर क्वालिटी विपज्जनक अवस्था मात्र अधिक बाण फुटा एवं क्षेत्र में गदा गदा नड़ा जल्वा जो दिल्ली में वायु प्रदूषण उत्कट रूप धारण कर तेज आगामी सोमवार पूर्व दिल्लीवासी को निस्तार मिलना विशेषज्ञ मैंने आकलन करपटे अमल परवर्त पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में नड़ा जला जाता बेले परिस्थिति आसंता सप्ताह पर्यंत जारी रही पारे अधिकांश स्थान रे दिल्ली वायु सीभियर रही है शनिवार सकाळे आनंद विहार एवं फरीदाबाद एयर क्वालिटी 600 रु अधिक रेकर्ड करा जाय छे इंडिया गेट मांडिर मार्ग श्रीनिवासपुरी समेत अधिकांश स्थान रे एपर्यंत एयर क्वालिटी 400 मार्क रे रही है वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान करुथिबा एजेंसी सफर कहिबा प्रदत्त तथ्य अनुसार शनिवार सकाळे दिल्ली पाई सामग्रिक एयर क्वालिटी 656 रेकर्ड करा जायतिला जहां सीवियर कैटेगरी को अतिक्रम करुछे पवनर वेग बढ़िले परिस्थिति रे सुधार आसीबार संभावना रहिछे किंतु पवन उत्तर पश्चिम दिगरु आसुछे जहां दिल्ली पाई अडुआ सृष्टि करुछे बोली कहा जाउछे averages in severe in hazardous condition in the sense the situation is completely deteriorated post Diwali we've actually seen how the firecracker ban was actually flouted with stubble burning actually intensifying in Haryana and Punjab we've actually seen as per suffer almost 36% of contribution this morning is of stubble burning so the situation in North India not just in Delhi but in entire North India has become extremely severe there are several reports coming from different parts different hospitals where people are actually complaining of irritation and respiratory challenges so situation is really really like a health emergency for hearts and heart failure tend to get worse the moment they have a chest infection or a chest problem so their heart automatically gets worse as a part of the lung problems and finally pollution has been known also to increase inflammation of the heart arteries and when the inflammation of the heart artery starts there's precipitation of blood clotting and that again leads to an increased incidence of heart attacks and worsening of angina and heart disease so yes we actually are increasingly and very worried about this pollution for our elderlies and more so not even elderlies just elderlies but also those with lung problems and those with heart प्रदूषण जो पर्यटकों पर अदृश्य है आग्रार ताजमहल दिल्ली प्रदूषण बाबत समस्ते भी चिंतित कारण प्रदूषण जो एवं दिल्लीवासी किपर समस्या पड़ते अजणा ना मात्र से ही वायु प्रदूषण प्रभाव एवं पड़ी उत्तर प्रदेश आग्रा ठारे ताजमहल आज सका 11 पर्यंत दर्शकों आखि सामनु अदृश्य रही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कोविड कटका हटापर एवं बहु दूर आग्रा को छुट्टी आसुच्च पर्यटक
उद्देश्य ताजमहलर सौंदर्य देखा मात्र खूब पाखे ठिया होई मध्य पर्यटक मैंने ताजमहल को स्पष्ट भाव देखा सक्षम हो पार कारण दिल्ली वायु प्रदूषण उत्कट होवर तार प्रभाव आग्रा पर्यंत पड़ कह ताजमहल देखा हमने बहुत अच्छा लगा बस थोड़ा सा पॉल्यूशन था जिस वजह से तो अच्छा लगा नहीं लगा पॉल्यूशन नहीं होता तो अच्छे से दिखता हमें पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा दिक्कत था बस साफ दिखाई नहीं दिया साफ दिखाई नहीं दिया थैंक यू नाम बता दीजिए जी मेरा नाम केविन है केविन सामिल दिल्ली का रहने वाला हूँ क्या कहना चाहिए ताज देख के आ रहा किस तरीके से देख बढ़िया है तो बहुत बढ़िया बना है बट वो पॉल्यूशन बढ़ चुका है वो दिवाली की वजह से इतने पटाखे फूटे थे तो वो थोड़ा कवर हो चुका है वो दिखता नहीं है दूर से तो नहीं दिखता पहले तो बहुत दूर से ही दिख जाता होता था मैं छोटा था तब भी आया था तो वही है वो थोड़ा पोल्यूशन रेड जोन में भी आ गया है यूपी तो वो है बस थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बट है तो सुंदर ही बट पोल्यूशन थोड़ा कम हो तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए आसपास भी वही है बस जी नाम बता दीजिए मेरा नाम शारन है मैं दिल्ली से हूँ क्या कहना चाहिए ताज देख कर किस तरीके से देख रहे हैं ताजमहल है तो सुंदर ही बट यहाँ थोड़ा दूर से देखो तो पोल्यूशन की वजह से बहुत कम दिख रहा है काफी धुंधला दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है पास से तो दिख ही रहा है बट दूर से बहुत कम है विजिबिलिटी कम है बहुत देखिए वायु प्रदूषण होने का एक बड़ा कारण दीपावली का जो त्योहार निकल के गया है उसके कारण से भी है हालांकि हरित पटाखे छूटने के कारण से जितना पिछले वर्ष पॉल्यूशन हुआ था आगरा में उसमें कमी आई है ताजमहल भी हालांकि धुंधला दिख रहा था नगर निगम के प्रयास भी लगातार इस ओर हो रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो सके उसके लिए जनजागरण का अभियान भी शुरुआत हम लोगों ने किया है और चौराहे चौराहे पर लाल बत्ती होती है तो लोग अब लाल बत्ती होने पर इंजन भी बंद करने लगे हैं ऐसा एक जनजागरण के अभियान के माध्यम से हमने शुरुआत की है नगर निगम के द्वारा भी हम प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पानी का छिड़काव पौधों पर छिड़काव पेड़ों पर छिड़काव इस प्रकार से काम नगर निगम के द्वारा भी कर रहे हैं और जो सफाई अभियान जो हमारा चलता है उस पर जो पॉल्यूशन धूल उड़ती थी उसे भी कम करके हमने इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं जो सफाई भी हो जाए और धूल भी कम उड़े इस प्रकार से द्वारा नगर निगम के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दो दिन और रहेगा उसके बाद कमी आएगी क्रूज ड्रग्स केसरू नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वाकड़े को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस समेत अन्य छटी केसर इन्वेस्टिगेशन हटाई दिजापर तक स्थान में एनसीपीएफ सीनियर पुलिस ऑफिसर संजय सिंह के नेतृत्व में अन्य एक एसआईटी गठन कर संजय सिंह ओडिशा काडर 1996 ब्याचर ऑफिसर सूचना योग्य शाहरुख खान का पुओ आर्यन को समीर गिरफ्त करने महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक बारंबार समीर को ऊपर अभियोग आनी एनसीपी समीर को विरोध में कौन से अभियोग सिद्ध होना और से दायित्व सुचारू रूपे तुलाई स्पष्ट कर ये डेफिनेटली हम लोग का उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे सर पर अभी तक जो जांच हुई है उसका फिर से एक बार री इनपुट आपकी तरफ से एज ऑफ नाउ यू हैव टू फर्स्ट टेक ओवर द केसेस एंड देन मनी लॉन्डरिंग केस रे महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज स्वतंत्र पीएमएलए कोर्ट रे हाजर करा जायतिला सुनानी परे कोर्ट अनिल देशमुख को 14 दिनिया विचार विभाग हाजत को पठाई दिछते देशमुख को हेपाचत रे नेपा को आवेदन करितिला ईटी जहा को की कोर्ट आग्रह करिछते मनी लॉन्डरिंग केस रे महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्त करितिला ईटी शनिवार अनिल देशमुख को स्पेशल कोर्ट रे हाजर करा जायतिला सुनानी पले देशमुख को हेपाजत को नेपा को कोर्ट को निकट रे अपील करितिला ईटी किंतु स्पेशल कोर्ट एहा को खारज करितबा सह तंको 14 दिन पई विचार विभाग हाजत को पठाइबा को अनुमति देछते गत सोमवार मनी लॉन्डरिंग केस रे अनिल देशमुख को प्राय 12 घंटा धरी जेरा करिपा परे गिरफ करा जायतिला पछराउचरा बळे कोनसे संतोषजनक उत्तर देइनथिले देशमुख परे तंको गिरफ करा जायतिला पूर्वरु अनिल कपूर ऋषिकेश देशमुख को मध्य पचराउचरा समन जारी करा जायतिला तबे से ईडी निकट रे हाजर होइना हंती तांको पचराउचरा बेले आउ किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलिबो कि अभी फर्दर कस्टडी की जरूरत है उन्होंने ये भी बोला कि इनको कन्फ्रंटेशन के लिए जरूरत है मगर हमने कोर्ट के आगे ये
तथ्य रखे कि ये ऑलरेडी यही ग्राउंड जो थे वो पहले जब इनकी कस्टडी ली है तब भी यही थे, आज भी वही हैं और पिछले 5-6 दिन से ही उनकी कस्टडी में है वो, जो कि एक बहुत सफिशिएंट टाइम है उसके लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए। सो फर्दर कस्टडी ये किसी किस्म के वेग और अनस्पेसिफिक ग्राउंड्स थे तो हमने उसके ऊपर बहस की थी। अभी कोर्ट का ऑर्डर तो हमारे पास नहीं आया, आदेश की प्रति तो नहीं आई है, मगर ऑपरेटिव ऑर्डर में कोर्ट ने सुनाया है कि ये इनकी ईडी कस्टडी की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। उनकी एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी आज, और जब क्योंकि आज ही दाखिल हो पाई जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट के पास अदालत के पास पर्याप्त समय नहीं था तो अदालत ने उसको डेफर कर दिया है 12 तारीख को फाइनल सुनवाई के लिए, ताकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना जवाब दाखिल कर सकें और उनको पर्याप्त मौका मिल सके इस बेल को अपोज करने का। आसंताकाली होगाक जाऊँ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत समस्त राज्यर पार्टी अध्यक्ष और महासचिव भाग ने एथसत आगामी वर्ष विभिन्न राज्य में होगाक विधानसभा निर्वाचन को नहीं बैठक में आलोचना हो। रविवार बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 100 कोटी टीकाकरण को नहीं प्रधानमंत्री मोदी उद्देश्य एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होसत बैठक में प्रथम दलर अध्यक्ष जेपी नड्डा अभिभाषण रखे सूचना मिली। तेज बीजेपी यह प्रथम हाइब्रिड राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगा जाऊँगी। कोरोना कटकणा को आखि आगे रखी बैठक बस विभिन्न राष्ट्रीय नेतृवृंद सहित राज्यर नेता राज्य सभापति और महासचिव सामिल होते बैठक समापन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निजर अभिभाषण रखे। आसंता वर्ष देशर विभिन्न राज्य में विधानसभा निर्वाचन होगा जाऊँगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोआ मणिपुर और पंजाब में 2022 विधानसभा निर्वाचन देखिए वेहाकु आखि आगे रखी दल निजर रणनीति प्रस्तुत कर सब राज्य भितर केवल पंजाब में दल सरकार नहीं तेणु एठार किपर दल भल प्रदर्शन करने सहित सरकार गठन करनी कार्यकारिणी बैठक में आलोचना हो सूचना मिली। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष एवं वहाँ से राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे और इसी प्रकार से 36 प्रदेशों को लिंक दिया गया है। एक एनडीएमसी सेंटर में कार्य समिति की बैठक होगी, उसी के साथ साथ 36 प्रदेशों में एक साथ बैठ करके अलग अलग सामूहिक रूप से लोग भाग लेंगे चर्चा में। कार्यक्रम की शुरुआत यह 10 बजे से प्रारंभ होगी और बैठक की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ होगी। इस बैठक में प्रस्ताव योग पर चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर सीमावर्ती जिला रजौरी में चली सर्च ऑपरेशन स्थानीय अंचल आतंकवादी माने लुचि रही जमापड़ा पर सेना और पुलिस तरफ चली जोरदार ऑपरेशन जिलार विभिन्न रास्ता और जंगल अंचल तलाशी अभियान जारी रही। दुईज कुख्यात आतंकवादी सेठे कौन गुप्त स्थान में लुचि रही अनुमान सेमानको निपात करने चली अभियान गत किछि दिन मध्य सुरक्षाकर्मी अनेक आतंकवादी निहत होती उपत्यकार आतंकवादी को निपात करने दीर्घ दिन धरी सेना और सुरक्षा एजेन्सी तरफ चली सर्च ऑपरेशन जहां आज को मिसाई 27 दिन में पहुंची। परिस्थिति को दृष्टि रखी अतिरिक्त सुरक्षा बल से ही स्थान को पठा जा जमापड़ आतंकवादी मैंने लुचि रही स्थान को न जावाई लोक सतर्क कर दिव्यांग खेलाड़ी जम्मू काश्मीर प्रशासन बड़ पदक्षेप पर आथलेट मानू तालीम देवाई आरंभ हो कोचिंग शिविर उपत्यकार बास्केटबल खेलाड़ी स्वतंत्र भाव में तालीम शिविर आयोजन करेक युवक व दिव्यांग खेलाड़ी भाग नहीं देखा व्हील चेयर में बस बास्केटबल अभ्यास करुछन्ते पारा आथलेट प्लेयर ऐसी भी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ नई बच्चियों को जोड़ा है, नई प्लेयर्स को जोड़ा है जो ये सीख रही हैं, ठीक है।
ताकि इनको आगे मौका मिले, आके एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, हम जुड़े हुए हैं WBFI के साथ, व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें हर साल जो उनका एक टूर्नामेंट होता है, जो कंपटीशन होता है, हर साल हमारी JNK की टीम यहाँ से जाती है, VMS से, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी से। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प लग हो रहा है, और कुछ पहले हमारी टीम नहीं थी, फिर टीम बना ली, 5 लड़कियाँ थी उस टीम में, और आज कुछ और एक ऐसी नई लड़कियाँ हैं जो हमारे साथ, आज नई लड़कियाँ ज्वाइन करने वाली है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम किया, मैं भी इनके साथ मिली, मुझे ये मौका मिला, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि उन्होंने मुझे कॉल किया, आप यहाँ आए, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आगे भी मैं चाहूँगी इंशाल्लाह कि हमारे लिए प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जितने भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं, अभी जो भी है, लेकिन बॉयज़ की तरह ज़्यादा ध्यान देते हैं, गर्ल्स का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग चाहते हैं, गर्ल्स ही चाहेंगे इंशाल्लाह, जितने बॉयज़ को भी ध्यान देते हैं, उतने गर्ल्स को भी दिया, खासकर गर्ल्स को ज़्यादा ध्यान दे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अफगानिस्तान सहित NSA स्तरीय बैठक कर भारत, नवेम्बर 10 तारीख को यह बैठक पर तारीख धार्य होता जमापड़ी। भारत तरफ बैठक में अध्यक्षता करेंगे जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति फेर सहित उपमहादेश अंचल सन्त्रासवाद दमन पर भारत तरफ रणनीति प्रस्तुत करालिबान प्रतिपक्ष सामिल रहा तेज। भारत तरफ रुषिया, चीन, ईरान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जातीय सुरक्षा परामर्शदाता बैठक में सामिल करमंत्रण कर चीन एग देवानी एजाए कौन उत्तर रखी, मात्र पाकिस्तान जोग देवनी बोली सूचना मिली। तेज भारत तरफ अफगानिस्तान निया प्रकार पदक्षेप को एक उचित निष्पत्ति समर्थन जनाई देशर प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। हिंदुस्तान के बड़े जबरदस्त रिलेशन रहे अफगानिस्तान के साथ में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेवल इम्प्लीकेशन हैं और इंटरेस्ट हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से अफगानिस्तान की सरजमी जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो या वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी हो हिंदुस्तान के या किसी और नेबरिंग कंट्रीज़ के। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है टू होल्ड अ मीटिंग ऑन अफगानिस्तान एट दी NSA लेवल, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो हैं वो पहली बार है कि सारी की सारी कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं इंस्टेड ऑफ द इमीडिएट नेबर्स। इसमें चाइना भी को भी इन्वाइट किया, रशिया को भी, ईरान को भी, पाकिस्तान को भी, लेकिन चाइना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने मीडिया के माध्यम से कहा कि वो इसको अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। हिंदुस्तान साफ तौर पे चाहता है कि अफगानिस्तान की एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू और फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसकी मदद की जाए ताकि वहाँ का जो आवाम है आवाम ना सफर करे। महाराष्ट्र अहमदाबाद नगर दुखद घटना घटी, तबे अहमदनगर में सिविल हस्पिटाल निया लगी 10 कोरोना रोगी मृत्यु हो। अहमदनगर कलेक्टर राजेन्द्र भोसले घटना को निश्चित कर सिविल हस्पिटाल कोरोना वार्ड में यह अग्निकाण्ड घटी। दुर्घटन 10 जन कोरोना रोगी दुखद मृत्युवरण करते। तेज अति मर्मस्पर्शी घटना हो कि 6 जन कोरोना रोगी जीवंत चली जाते, आहत को हस्पिटाल चिकित्सा भर्ती कर। निआर प्रकोप एत भयंकर डाक्तरखाना एवं भी धूआ बाहुवा देखाई। सेपटे दुर्घटना को नहीं शोक प्रकाश कर प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रपति और गृहमंत्री। आज हूँ हिंदू मानकर एक स्वतंत्र धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व भाईदूज। साधारणतः उत्तर भारत में लोकप्रिय यह पर्व अवसर में भाईर दीर्घ जीवन कामना करी भौनी। एपरिक भारत अन्यतम पवित्र नदी जमुना को मृत्यु देवता जमुंकर भौनी बोली विश्वास कराए। से उभय भाई और भौनी जमुना नदी में बुड़ पकाइले उभयर आयुष बढ़ी थाए और मृत्यु से छुए ना बोली विश्वास रही। से आज जमुना नदी में देखा मिलता श्रद्धालु भिड़। नदी में गाधोवा सह भाई भौनी परस्पर दीर्घ जीवन कामना करते। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन पालित होता है यह पर्व भाईदूज। ऐसा है कि आज के दिन नहाने से यहाँ ऐसा सुना जाता है कि यमराज साल भर में अगर मुक्ति हो जाती है तो यमराज
छूते नहीं, यमराज नहीं आते, भगवान वैकुंठ धाम को लोग जाते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर नहाया जाता है। महिलाएं भी नहाती हैं, पुरुष भी नहाते हैं, ये भाई बहन भी नहाते हैं, जैसे भाई बहन दोनों नहाते हैं, मगे यमराज और जमुना भाई बहन हैं, ये दोनों मिल करके आज नहाते हैं यहाँ। और आज के नहाने से यहाँ साल भर में अगर मुक्ति होती है तो यमराज छूते नहीं किसी को, ऐसा वरदान है। जैसे यमराज जी अपनी बहन को बहुत चाहते थे, ऐसे हम लोग भी अपने भाई बहन सब चाहते हैं एक दूसरे को, यही महत्व है इसका। यमुना जी का आज भैया द्वीज का बहुत बड़ा महत्व है इसी कारण से। हाँ, यमराज के यहाँ मतलब वो भगवान के यहाँ सीधे वो मिलता है, जैसे विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है भाई बहन के साथ में, जिसे स्नान करने से मोक्ष मिलता है। तो ऐसा आज के दिन माना जाता है कि अगर दोनों भाई बहन एक साथ मतलब यमुना जी में स्नान करते हैं तो भाइयों की उम्र लंबी होती है, इसलिए हर भाई बहन जो है एक साथ स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन पालन हुए भाई भौणी स्नेह प्रेम पर्व भाई दूज। आज उत्तर भारतीय राज्य गुड़िकर अति श्रद्धा और निष्ठार सह एक पर्व पालित हो अवसर में केन्द्रमंत्री मुख्तार आवास नकवी घर पहुंची केन्द्रमंत्री स्वाधीन रंजन ज्योति। प्रत वर्ष पर आज भाई दूज पर्वर नीति नियम अनुसार नकवी को तिलक लगे दीर्घ जीवन कामना करते स्वाधीन रंजन। केवल से नुहे प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल समस्त सदस्य और देशवासी को यह अवसर में शुभकामना जनाते उभय स्वाधीन रंजना एवं नकवी। हमारा देश जो है वो इसीलिए हमारा देश कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी हर वर्ष चाहे रक्षाबंधन हो और चाहे भाई दूज हो, हमेशा जो है वो हमें आशीर्वाद देने आती हैं और इस उत्सव पर चार चांद लगाने आती हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और पूरे देशवासियों को मैं इस भाई दूज के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो मैं भाई से कुछ नहीं मांग रही, भाई के लिए मैं मांग रही हूं ईश्वर से कि उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम के कैप्टन हैं और मेरे बड़े भाई हैं, स्वस्थ रह के देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए सहयोगी बने रहें। और यह हमारा भारत संस्कृति का देश है, परंपराओं का देश है। आज का दिन भाई और बहन के रिश्ते का दिन है, इसको बहन भाई के पास आती है, लंबी आयु की दुआ मानती है। और मैं तो मानती हूँ कि हमारे भारत को यही परंपराएं हैं जो बांधे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का देश, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का देश, फिर भी जो त्योहार हैं वो त्योहार हमें कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांध के रखते हैं। आसंता 11 तारीख रे उत्तर प्रदेश गोंडा जिले रे हेबाकु थिबा जातीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप पाई घोषणा होईची ओडिसा दल। विभिन्न वर्ग पाई 8 जन पुरुष और 8 जन महिला दल घोषित होईचंती। ओडिसा रो ही टीम आसंता 9 तारीख दिन उत्तर प्रदेश अभिमुखे यात्रा करिब। 11 तारीख दिन चैंपियनशिप आरंभ हेबो। अनेक समस्या भितरे ओडिसा टीम प्रस्तुत होइतिबा बेले दल भल प्रदर्शन करू बोली ओडिसा कुश्ती संघ संपादक किशोर बेहरा कहिछन्ते। आज्ञा, देखन्तु आमर अक्टोबर मासरे सिलेक्शन हेतला, सिलेक्शन रे आमर जो माने सब चैंपियन हेइछन्ति सेमाने आमर नवंबर 11 रे नवंबर 9 रे जिबे उत्तर प्रदेश गोंडा सीनियर टीम जिबो गर्ल्स एंड बॉयज मिसिकिना। ଟୋଟାଲି 8 ଜଣ ମହିଳା 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲି ଫେଡେରେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛି 10 ଜଣ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସର ଅଭାବ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ସରକାର ଆଶା ଅଛି କରିବେ ବୋଲି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସୀମା ଏବଂ ଭାରତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ 100ଟି ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଲ୍ଏସ୍ଏ ନିକଟରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ସହିତ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଚୀନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।
समय सरी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।